नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र रावत और अभी मैं आपको सबसे पहले आपकी यदि राशि की स्थिति से आज अवगत कराऊं तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तनाव वाला दिन रहने वाला है और लगभग लगभग सभी राशियों के लिए, सभी 12 राशियों के ऊपर स्ट्रेस का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे ग्रह 6, 7 और 8 नंबर की राशियों के अंदर चले गए हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा नीच के अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे शनि के साथ, तो मेष राशि वाले जो हमारे जातक हैं वो काफ़ी तनाव में चले जाएंगे और उनको काफ़ी टेंशन आज रहेगी। आपको नेगेटिव चीज़ें, आपको इनसिक्योरिटी, भय का साया ऐसा रहेगा आपके साथ में। वृष राशि वालों के लिए आज नीच के चंद्रमा शनि के साथ में आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे, प्रेम संबंधों में खटास होगी और यहाँ पर पार्टनर भी आपको धोखा देगा। इसके अलावा यात्राओं से आपको मानसिक तनाव रहेगा। मिथुन राशि के दर्शकों, आज आपकी जो कुंडली है इसके अंदर चंद्रमा का प्रभाव आपके 6ठे भाव में और 8ठम भाव में केतु है। आपके मार्केश के घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, खुद आपका मार्केश 6ठे भाव में चला गया है और 8ठम भाव का स्वामी भी 6ठे भाव में आ गया है। आयु को खतरा है, जो बच्चे भी पैदा होंगे शाम के समय पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि शिशु अवस्था का कारक चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज आयु को भी खतरा है आपकी, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के दर्शकों, आज आपकी कुंडली में आपकी राशि की जो स्थिति है वो नीच के चंद्रमा और शनि से बुरी तरीके से पीड़ित हो रखी है, जिसके कारण आज आपके काम नहीं बन पाएंगे। आपको तनाव और स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊँगा सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जो हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं उनके ऊपर आज चंद्रमा का जो प्रभाव है वह मन के ऊपर रहेगा। मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डिसीजन नहीं कर पाएंगे और डिसीजन आपके खिलाफ जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी व्यापारिक या पारिवारिक बड़ा डिसीजन अभी नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए। कन्या राशि के दर्शकों, आपकी जो राशि है इसके अंदर चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा आपके पराक्रम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पराक्रम आपका ढीला हो जाएगा और यहाँ पर छोटे भाई मित्रों से आपको धोखा मिलेगा। वायु यात्राएं आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, छोटी छोटी यात्राओं से आपको तनाव रहेगा। दोस्तों, अब मैं बात करूँ तुला राशि की, तो इस राशि के जो हमारे जातक हैं उनका राशि का स्वामी भी यहाँ पर नीच का हो रखा है। राशि के अंदर सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है और यहाँ पर चंद्रमा भी नीच का हो रखा है। कहने का ये मतलब हुआ तुला राशि वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब समय है। 12वें भाव में शुक्र नीच का खर्चे कराएगा, लगन के अंदर सूर्य नीच का मान सम्मान में कमी करेगा, द्वितीय भाव में चंद्रमा नीच का आपके धन को खर्च कराएगा। आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना है तुला राशि वालों। दोस्तों, वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए जो आज ग्रहों की प्लैनेटरी स्थिति है वह बहुत ज़्यादा अच्छी, हम ये कह सकते हैं कि नहीं भी है और है भी है, क्योंकि अकेला केंद्र के अंदर चंद्रमा शनि बैठा हुआ है और चंद्रमा शनि का एक विषय योग बन रहा है जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बहुत फूंक फूंक के आपको कदम रखना है। तो वृश्चिक राशि वाले जो हैं वह भी कहीं ना कहीं तनाव के अंदर रहेंगे निश्चित तौर पर। दोस्तों, अब मैं आप बात करता हूँ यहाँ पर धनु राशि की। तो धनु राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए चंद्रमा 12वें भाव में चला जाएगा और 12वें भाव में बैठ करके यहाँ पर आपके खर्चे कराएगा गलत कामों के ऊपर, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से, और यदि आप वैश्यवृत्ति, जुआ, शराब ऐसी गलत चीज़ों का सेवन करते हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके लिए आज विपरीत है। केंद्र के अंदर शुक्र और जो मंगल बैठे हैं बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, शुक्र नीच का है यहाँ पर। दोस्तों, यदि अब मैं बात करूँ मकर राशि की, तो मकर राशि के जो हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं उनके लिए भी आज का जो दिन है वो व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा लाभदायक नहीं रहेगा और स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के अंदर जो प्लेनेटरी प्रभाव है इसमें कर्म स्थान में चंद्रमा शनि कर्म को तो मजबूत करेंगे, क्योंकि शनि मेहनत का कारक होता है, पर यहाँ पर राहु की जो एक दृष्टि इसके ऊपर आ रही है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसके कारण यहाँ पर शनि और चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएंगे। मीन राशि के दर्शकों, आपके लिए जो आज ग्रहों की चाल है उसमें भाग्य स्थान में आपको डैमेज होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपका कोई नौकरी लगने के पूरे पूरे योग बने हुए थे, बात भी हो गई थी पक्की, सब कुछ हो गया था, अंतिम छोर पे आकर के आपका काम अटक जाएगा। दोस्तों, ये था आपका आज का 12 राशियों का फलादेश। आगे के एपिसोड में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।